पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन किसी की मकबूलियत का पैमाना नहीं। पीडीएम ने इमरान खान का जल्द इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। पीडीएम इजलास के बाद रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साद रफीक ने कहा इमरान खान को मर्जी का चीफ जस्टिस और मर्जी का आर्मी चीफ चाहिए। आर्टिकल 63A की तशरीह पर हमें तहफ्फुज़ात हैं। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है, इसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इमरान खान अदलिया के कंधों पर चढ़कर आईन से छेड़छाड़ चाहता है। तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में वापस नहीं जाएगी। फौरी नए इंतखाबात के इनेकाद के मुतालिबे पर कायम है। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की समा से गुफ्तगू। फवाद चौधरी बोले हुकूमत वेंटिलेटर पर है, ऑन ऑफ का स्विच हमारे हाथ में है। इनके 5 से ज्यादा अरकान हमारे साथ राबिते में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। लाहौर में वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की जेरे सदारत सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सियासी सूरत हाल और जिमनी इंतखाबात के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 22 जुलाई को वजीर आला के इंतखाब के लिए हिकमत अमली पर भी गौर। और डॉलर की लंबी छलांग, इंटरबैंक में एक ही दिन 6.80 रुपए महंगा होकर 222 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में 8 रुपए महंगा होकर 224 पर फरोख्त होने लगा। स्टॉक मार्केट में भी शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 978 पॉइंट्स की कमी।